राजगुरु ने कहा था, जिंदगी में कोई नहीं रहता, सब एक ना एक दिन मरते हैं। जिंदगी में जिंदा कोई नहीं रहता, सब एक ना एक दिन मरते हैं, पर मृत्यु के भय से जो मरते हैं वो कायर कहलाते हैं। मातृभूमि के ऊपर, जन्मभूमि के ऊपर जान को जो न्यौछावर करते हैं वो मरते नहीं, जनता के हृदय रूपी मातृभूमि में अमर रह जाते हैं, अमर रह जाते हैं, अमर रह जाते हैं। और इसके बाद उन जालियों को छोड़ दिया गया नृशंस तरीके से, वो बीचों बीच से दो फाल हो गए। एक शाम राजगुरु बैठे थे खुर्दा की गढ़ में नदी के किनारे। अचानक से एक सैनिक, एक सिपाही, एक पाइक आकर कहा कि राजगुरु क्या करेंगे, परिस्थिति बड़ी गंभीर है, अंग्रेजों ने, फिरंगियों ने हमारे खुर्दा के गढ़ के ऊपर चढ़ाई कर दी है, पूरे विश्व में उनके शासन है, अस्त्र शस्त्र है, आधुनिक उपकरण है, पूरे भारत में दखल है, संख्या बड़ी है, गोली गोला बारूद है, क्या करेंगे। जय राजगुरु ने कुछ इस कदर कहा था, जिसको हम ऐसे कहना चाहेंगे, कविता के माध्यम से उनकी भाव को दिखाना चाहेंगे। जयराज गुरु ने कहा क्या करेंगे, मातृभूमि को जयराज गुरु कह रहे हैं कि पले हैं बड़े हैं धूली मिट्टी में जिसके, पले हैं बड़े हैं धूली मिट्टी में जिसके, खेले हैं कूदे हैं तेरे हैं नदियों में जिसके, फल तोड़े हैं रिश्ते जोड़े हैं पेड़ों पौधों से जिसके, आज इस आपद में हाथ कैसे छोड़ दे उसके, आज इस आपद में हाथ कैसे छोड़ दे उसके। और राजगुरु कहते हैं कि मनाए हैं कितने त्योहार, पर्व परवाणी मनाए हैं कितने त्योहार, सहे हैं कितने बाढ़ धूप तूफान वर्षा शीत बसंत इस मिट्टी पर, सुख में दुख में शांति में बेचैनी में अपनी आंचल से जिसने सवारा, बचपन को जवानी को अपनी पलकों से जिसने निखारा, आज इस समय में कैसे छोड़े उसे बेसहारा, आज इस घड़ी में उसे कैसे छोड़ दे बेसहारा। देह की पसीनों से जिस मिट्टी को उबारा है, देह की पसीना देकर जिस मिट्टी को उबारा है, आंखों की आंसुओं से जिसमें भाव को निखारा है, देह की पसीना देकर जिस मिट्टी को उबारा है, आंखों की आंसुओं से जिसमें भाव को निखारा है, जिगर का खून भी देकर उस मिट्टी को बचाएंगे, आज अब यहां से हम एक भी कदम पीछे नहीं जाएंगे, एक भी कदम पीछे नहीं जाएंगे। नहीं, ये बेईमानी हमसे नहीं होगी, रग रग में ईमान को संभाले बैठे हैं। बता दो जाकर, बता दो उन मूर्खों को जाकर कि संख्या बड़ी हो तो हम डरा नहीं करते, धूली मिट्टी में बड़े मातृभूमि के बच्चे किसी से डरा नहीं करते, प्राण की भय से कभी मरा नहीं करते। और कहकर जिस आदमी के पुकार से पाइक जाति उठ गई, तलवारों से, पहाड़ों से, नदियों से, पर्वतों से पीछे छुपकर धन तीर से मुकाबला करते रहे गोली गोले बारूद के, एक आदमी को अंग्रेज अपने आधुनिक से आधुनिक तकनीक व्यवहार करके भी पकड़ नहीं पाए, कभी पकड़ नहीं पाए। एक आदमी जिसका नाम था चरण, इतिहास ये कहता है, उसके पास गए, उसने विश्वासघात किया अपने देश के सहित, बताया कि राजगुरु यहाँ पर है, उनको पकड़ कर ले गए वहां से बहुत दूर। जैसे कि उदाहरण के लिए पेड़ एक बार कुल्हाड़ी से पूछा कि तू मुझे क्यों काट रहा है, तो कुल्हाड़ी ने पेड़ को कहा मेरी कहाँ है औकात तुझे काटने के लिए, जरा अच्छे से देख, मेरे पीछे तेरे जात का ही एक भाई लगा है। कुल्हाड़ी के पीछे पेड़ का ही एक लगा होता है उसके पीछे, जिसके लिए कुल्हाड़ी काट सकता है। तो इसी तरह से विश्वासघात किया और जाय राजगुरु को पकड़ कर ले गए। वहां पर एक पेड़ में उनकी बाएं हाथ और बाएं पैर को एक डाली में, दाहिना हाथ और दाहिना पैर को एक डाली में बांध दिया गया और कहा गया कि इस डाली को छोड़ा जाएगा तो तुम 20 से दो हिस्सों में बट जाओगे, मर जाओगे, मान लो, मातृभूमि को छोड़ दो, सर झुका दो। तो राजगुरु ने कहा था कि जिंदगी में कोई नहीं रहता, सब एक ना एक दिन मरते हैं, जिंदगी में जिंदा कोई नहीं रहता, सब एक ना एक दिन मरते हैं, पर मृत्यु के भय से जो मरते हैं वो कायर कहलाते हैं। मातृभूमि के ऊपर, जन्मभूमि के ऊपर जान को जो न्यौछावर करते हैं वो मरते नहीं, जनता के हृदय रूपी मातृभूमि में अमर रह जाते हैं, अमर रह जाते हैं, अमर रह जाते हैं। और इसके बाद उन जालियों को छोड़ दिया गया नृशंस तरीके से, वो बीचों बीच से दो फाल हो गए। पर समय निकल गए, साल बदल गए, साल निकल गए, समय बदल गए, पर चलती रही ये गाथा, राजगुरु ने प्राण दिया पर झुकाए नहीं माथा, झुकाए नहीं माथा। मातृभूमि नमन।
है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों